नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपका जो है रिवीजन क्लासेस चल रही थी, जिसमें मैथ्स का रिवीजन में पहला चैप्टर आपका क्लियर करवा दिया मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर, दूसरा क्लियर करवा दिया, तीसरा क्लियर करवा दिया, चौथा और पांचवा क्लियर करवा दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको इसी रिवीजन की क्लासेस की सीरीज में सातवा, ग्यारहवा और तेरहवा तो आएगा नहीं, चौदहवा और पंद्रहवा ये चैप्टर और आपकी रिवीजन की क्लासों में लेने हैं। आपको इन क्लासों में, दो क्लासों में आपको ये दोनों रिवीजन की क्लास कंप्लीट कर दूंगा। आपको रिवीजन की क्लास कंप्लीट इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, चैनल पर लाइक करो और शेयर करो। अब आपको आगे पढ़ाते हैं सातवें चैप्टर से संबंधित। सातवें चैप्टर में बेटा क्या क्या है वो देखो। पहले तो सबसे पहले तो आपको दूरी ज्ञात करना आना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या है, पहले मैं एक बार फंडामेंटल सूत्र बता देता हूँ, उन सूत्रों को आप नोट कर लो और उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। दूरी का सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। बच्चों, ये आपके पास एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसकी कोऑर्डिनेट और इसकी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। जैसे मान लो इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसकी कोऑर्डिनेट कितने x2 y2 निर्देशांक है इसकी, तो आप दूरी का सूत्र कैसे लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x को भुज कहते हैं हिंदी में और y को कोटि कहते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो 3.4 का भुज बताओ, अब सवाल आ गया 3.4 का भुज बताओ, तो कभी पढ़ाई नहीं भुज तो क्या पता होगा, तो भुज का मतलब x होता है, तो 4.3 का भुज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर 3.4 का कोटि पूछता है आपसे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये भी आप ध्यान रखोगे। एक अंतः विभाजन के निर्देशांक का सूत्र है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में x बराबर क्या होता है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये आपका अंतः विभाजन का सूत्र है। और y का इसी में अंतः विभाजन में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये आपका अंतः विभाजन का सूत्र है। अगर विभाजन बाह्य विभाजन हो तो दो सभी जगह माइनस कर दोगे आप, जहां जहां प्लस है वहां क्या कर दोगे, माइनस आप को करना है। अच्छा विद्यार्थियों, तो क्या करोगे, अंतः विभाजन का निर्देशांक किस प्रकार के क्वेश्चंस में लगाओगे, इसमें आपको अनुपात देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अनुपात देखने को मिलेगा। जैसे मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इनके निर्देशांक आपको एक्स वन वाई वन है पहले वाले के, इसके एक्स टू वाई टू है, और इसमें आपको अनुपात और मिलेगा, या तो m1 m2 मिलेगा और नहीं मिलेगा तो k अनुपात 1 आपको मान लेना है। तो इसके निर्देशांक के सूत्र कैसे निकालोगे, x, y निकालना है, तो x के लिए तो आप ये सूत्र लगाओगे और y के लिए आप ये सूत्र लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात अगर कभी कभी नहीं दिया होता है तो आप k अनुपात 1 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, k का मान ज्ञात हो जाएगा। आपको मैंने बता रखा है कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0 होता है। ये दो चीज और ध्यान रखना है। इसके अलावा मूल बिंदु के निर्देशांक है, जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x भी 0 और y भी 0, अर्थात 0.0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु पर x भी 0 होता है और y भी होता है। मूल बिंदु कौन सा होता है, ये आपका मूल बिंदु जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये आपका मूल बिंदु है, तो यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, समझ गए। इसके अलावा अगर आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल का सूत्र भी मैं आपको लिख देता हूँ। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये आपका त्रिभुज है। अब तक तो आपको दो निर्देशांक थे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, और एक्स थ्री वाई थ्री और आ जाए तो आप सूत्र क्या लगाओगी, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपके पास एक सूत्र ये अति महत्वपूर्ण, जो आपका 7.3 में एक सवाल 5 नंबर का 100% आएगा, 5 अंक का एक सवाल आएगा ही आएगा। कौन से में, 7.3 में। कैसे आएगा वो मैं भी बता देता हूँ, वीडियो को देखते रहे अंत तक देखें। दूरी का सूत्र एक नंबर का सवाल आता है इसमें, और विद्यार्थियों ये जो सवाल है अंतः विभाजन का, ये 3 नंबर का सवाल प्राय आता है। ठीक है, तो ये आपका जो है 9 नंबर हो गए, 9 नंबर का ही जो है चैप्टर है आपका, और आप कंप्लीट जो है इस प्रकार से पढ़ो कि अंक कैसे आए। आपको पता है
कि अब एग्जाम तो होगा ही होगा, आपका एग्जाम तो निश्चित होगा क्योंकि आपको जो है सिलेबस लगभग लगभग सभी स्कूलों में भी कंप्लीट करा दिया गया है, और एग्जाम चाहे तो लेट हो, होगा जरूर। ये मत मानना कि अर्धवार्षिक के बेस पर आपका जो है हो जाएगा, नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं, एग्जाम तो होगा ही तुम्हारा संभवतः, ठीक है। तो आपका जो है 7.3 का 5 नंबर का इकट्ठा कर लो नंबर, नंबर टू द पॉइंट पढ़ो आप, कचरा मत पढ़ो अब आप, सारी चीज मत पढ़ो, मेन मेन चीज है रिवीजन का मतलब ये होता है, मुख्य मुख्य चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको करो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो अब एक एक बारी बारी से क्वेश्चन देता हूँ, 5 नंबर का, 1 नंबर का और 3 नंबर का, इस प्रकार से क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रेणी में आपका 1 नंबर का सवाल, दूरी का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, कैसे कैसे पूछता है वो सुनो। क्वेश्चन बन सकता है आपका, बिंदु 4.3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, मूल बिंदु कितना होता है 0.0। सीधा सवाल सुनो मेरा, बिंदु 4.3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो अब देखो आपको एक क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ये चित्र जो मैंने बनाया है, क्वेश्चन ये है आपका, बिंदु 4.3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अब देखो एक ही चीज दे रखा है आपको और आपको चाहिए दो, तो चलिए दूसरा मूल बिंदु है, इसने मूल बिंदु दे दिया 0.0 दे दिया, अपने को इसका मतलब ये आपका x1y1 हो गया, ये आपका x2y2 हो गया। सीधा दूरी का सूत्र लगाओगे, दूरी का सूत्र आपके पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर x2 कितना है बच्चों 0, माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 0, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना हो गया, 4 चौके 16, 3 9 16 9 25, अंडर रूट 25 आपका d हो गया। अंडर रूट 25 का मतलब 5 यूनिट 5 मात्रक आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। एक नंबर का सवाल आएगा तो ऐसे ही आएगा, 100% लॉक कर दो इस बात को। हाँ, क्वेश्चन में डाटा बदल सकता है बस, 4.3 है इसकी जगह और संख्या दे सकता है, 5.7 दे दिया, 3.4 दे दिया, 8.-3 दे दिया, है ना, ऐसा आपको दे सकता है। दूरी का सूत्र लगाओगे आप, सीधा उत्तर करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अच्छा बच्चों अब और एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो ये तरीका है, एक सीधा तरीका है कि यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 4.3 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो, एक नंबर का सवाल। अब देखो 4.3 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो, एक पॉइंट तो है, दूसरा नहीं, एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है आपको पता है। तो देखो एक्स अक्ष से दूरी पूछता है ना, एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वही आपका उत्तर होता है, 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस सवाल में मैं पूछता 4.3 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो तो क्या हो जाता है आपका, वाई को हटा दो, एक्स वाला आपका आंसर आ जाता है, 4 आपका आंसर आ जाता है, समझ गए। यानी कि एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई वाले हटा दो, एक्स वाला ही आंसर होता है, 3 आपका। एक्स अक्ष से दूरी पूछता है बच्चों, एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछता है एक्स वाले हटाओ, वाई आपका आंसर हो गया। वाई अक्ष से दूरी पूछता है, वाई वाले हटाओ, एक्स आपका आंसर हो गया, समझ गए। इस प्रकार से एक नंबर में ये एबीसीडी में सवाल आ सकता है, आपके 10 सवाल एबीसीडी में आएंगे जिसमें से प्रत्येक एक एक नंबर का होगा, उसमें से ये सवाल प्रबल संभावना है बनने की, ठीक है। दूसरा जो 3 नंबर का सवाल बनता है उस पर चर्चा करते हैं, फिर अपन 5 नंबर का जो सवाल बनेगा उस पर चर्चा करेंगे। 7.1, 7.2, 7.3 में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, बिंदु 3.4 व 7.-3 की 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ये सवाल है आपके सामने। दोबारा से समझ लो सवाल को, बिंदु 4.3 व 7.-3 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। समझ गए विद्यार्थियों, कैसे करोगे सुनो ध्यान से, ये 3.4 है आपका बिंदु 1,
दूसरा बिंदु 7, -3 है, अंतर विभाजन के निर्देशांक 3:2, 2:3 दे रखे हैं, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। सूत्र आप सीधा लगाओगे, x बराबर क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो दिस इंप्लाइज वैल्यूज रखिए, m1 का मान 2 है, x2 का 7 है, प्लस m2 का मान 3 है और x1 का मान 3 है बटे में 2 + 3। कैलकुलेट करो, 7 × 14 = 3, 3 × 9 = 5, ये कितना हो जाएगा आपका 23/5। ये तो क्या आ गया, x आ गया। y निकालोगे, y का सूत्र क्या होता है बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 जमा m2, y इक्वल टू m1 की वैल्यू बताओ 2 है गुणा y2 की बताओ, y2 की वैल्यू -3 है प्लस m2 की 3 गुणा y1 की वैल्यू 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। y इक्वल टू 3 × 6 + 4 = 12 बटे में 5, 6/5, ये आपका क्या हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकने की प्रबल संभावना है। ये तो सीधा सवाल आया, डायरेक्ट सवाल आएगा तो बिंदु इतना और इतना को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, मतलब आपको x1 y1 मिल जाएगा, x2 y2 मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा, तो आप सीधा सूत्र लगाकर आंसर प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, अगर 3 नंबर का सवाल बनाता है और अनुपात नहीं देता है आपको, क्या बोला मैंने, अगर 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनाता है और अनुपात नहीं देता है, अनुपात आपसे पूछ लेता है, तो वो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, पहले तो मोस्ट लगा लो आप, 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 5, वो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सवाल कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जो बिंदु ए, बिंदु ए जिसके निर्देशांक 1, -5, वह बिंदु बी जिसके निर्देशांक है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये आपको दे दिया तो पॉइंट, x अक्ष पर y का मान मैंने 0 कर लिया, अनुपात आपको पता करना है, जो मैंने बोला अनुपात नहीं हो तो के अनुपात 1 मानना चाहिए आपको, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x y है, ठीक है बच्चों। अब देखो, x का सूत्र नहीं लगाओगे आप, y का लगाओ, क्योंकि y का मान 0 है, x की तो आपके पास वैल्यू ही नहीं है, तो x का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो आपको k की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, इसलिए y का फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 जमा m2। y की वैल्यू देखो आप छांट के बताओ, y की वैल्यू कितनी है, 0 है, बिल्कुल साहब, m1 की बताओ k है, y2 की बताओ, y2 की 5 है प्लस m2 की बताओ, m2 की 1 है गुणा x1 y1 की बताओ, y1 की माइनस की 5 है और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे, तो ध्यान दो, 5 को मैं k से गुणा करूंगा तो 5 क्या आएगा मेरे पास, 5 को मैं माइनस, 5 को 1 से गुणा करूंगा -5 आएगा बराबर, 0 को मैं इन दोनों से गुणा करूंगा तो 0 आएगा मेरे पास, ये 5 किसका है, माइनस का है, उधर लेकर जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 5 के बराबर में 5 और k बराबर में 5/5, 5/5 का मतलब k कितना हो गया 1, k का मान अगर 1 आ जाता है तो आपका अनुपात क्या हो जाता है, आपका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 1:1, k का मान 1 आ गया, इसकी जगह 1 रख दिया मैंने, 1:1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर पूछता है x का मान ज्ञात करो तो x का भी फॉर्मूला लगा दो, बस इतना ही सफिशिएंट, ये ऐसे सवाल आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही है। इसके अलावा इसका सातवां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको और देखिए सातवां सवाल कैसे हल करते हैं। सातवें सवाल में आपको 4 निर्देशांक दे रखे हैं, एक चतुर्भुज है और वो भी समांतर चतुर्भुज है,
कह रहे थे तो मुझे छठा सवाल देखिए पहले, छठा सवाल मोस्ट लगाइए, सात वो मोस्ट लगाइए, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है, तो x और y का मान ज्ञात करें। विद्यार्थियों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में मोस्ट लगा लो। अब इसको हल करते हैं, देखो कैसे हल करते हैं। इसी क्रम में लेने पर हमेशा कैसे लोगे, आपको मैंने बता रखा है एंटी क्लॉकवाइज लोगे, क्लॉकवाइज नहीं लोगे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे 1, 2 ये 4, y नहीं ले सकते, यहां पर लेना पड़ेगा आपको 4, y, यहां पर x, 6, यहां पर 3, 5, इसी क्रम में लेना पड़ रहा है ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, अब कई को क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन रहे हैं, ये दूरी निकालेंगे दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है साहब, ये दूरी निकालेंगे दोनों को बराबर करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी जिससे एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा वो मेथड आपको, इसलिए मैं छोटा मेथड पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। ध्यान दो, इसके विकर्ण है, खींच लो, विकर्ण बिल्कुल आपको पता है, विकर्ण संधिभाजित करते हैं तो ये मध्य बिंदु हो गया कि नहीं, बीडी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे और उसको बराबर कर देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आपको पता है x1 + x2/2, y का क्या होता है y1 + y2/2। ठीक है, तो पहले तो इसका करते हैं एक्स एक्स को छाटो, ये एक्स है, इसमें एक है एक्स, तो x + 1/2 = 2, इसमें एक्स बताओ 4 है, इसमें एक्स बताओ 3 है, बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x + 1 = 7, x = 7 - 1, x = 6 हो गया, एक्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे वाई वाले को देखो, ये वाई है और ये वाई है, यानी कि y + 5/2 = इसका y बताओ 6, इसका y 2, तो 6 + 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, y + 5 = 8 हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगी माइनस का हो जाएगा, तो y = 3 आपका आंसर मार्क कर दोगे, मतलब x का वैल्यू 6 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गया, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सातवां क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी की सीरीज रिविजन क्लासेस चल रही है आपके सामने, तो देखो विद्यार्थियों जो आपका